बहुत सारी बात पूछ रही है, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो जैसे दिलों के बंधन होते हैं? यकीन करो, अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ नूर, तुम्हें मैं पलट कर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊं। बस छोड़ दे मुझे। अगर आप मुझे बीवी समझते तो अंकल के साथ मिलकर हमें इतना ऐसा धोखे में ना रख। अगर ये अस्पताल ना होता ना तो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देता मैं। अब कोमल कहीं ना कहीं हादी से आज भी मोहब्बत करती है, आज भी वो हादी के लिए वैसे ही सोचती है जैसा के पहले, लेकिन अहमद की सोच, अहमद का नजरिया उसे बहुत बदल देगा। अब अहमद उस पर हाथ उठाएगा, यहाँ तक कि नशा और शराब के जुए में लतपत घर आएगा तो कोमल का बहुत बुरा हाल करेगा। यहाँ तक कि जिन लोगों से उसने पैसे लिए हैं वो भी वापस नहीं करेगा। तब कोमल की माँ को पता चलेगा कि लालच में आकर उसने अपनी बेटी को कैसे और क्यों इतना जलील कर दिया। लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। उधर कोमल हादी के जुल्म सह सह कर तंग आ चुकी होगी और फिर वो अहमद से खुला ले लेगी। अहमद को छोड़कर आने के बाद हादी उसका सहारा बनेगा, हादी उसका भरपूर साथ देगा, यहाँ तक के कायनात की मदद से अहमद को जेल तक लेकर जाएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन चाहता है कि हादी और कोमल को एक साथ दिखाया जाए? कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह करें। मजीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो प्रोडक्शन अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।